नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां प्रदेश में अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए सीएम योगी ने एक बड़ा आदेश पुलिस के लिए जारी किया है, जिसमें दंगों और हिंसा पर लगाम रख सके। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है सीएम योगी का एक्शन प्लान हमारे इस रिपोर्ट में। दूसरे कार्यकाल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मकसद से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ये साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। बीते दिनों दिल्ली में हुए दंगे और यूपी में उसकी आग को फैलता देखकर सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए कहा, अब शोभा यात्रा या किसी भी जुलूस को निकालने से पहले आयोजकों को शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जाएगी जो पारंपरिक हो और नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। वहीं हनुमान जयंती के अवसर पर भी दिल्ली के जहांगीरपुर में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम में हिंसा के मामले सामने आए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी स्थिति बनी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया था। इसके तहत अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले राज्य सरकार से इसकी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जो बिना अनुमति इसे बजाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।